गुरुवार को ही किसानों ने केजीपी केएमपी पर ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को सख्त संदेश दिया है कि शुक्रवार को होने वाली बातचीत में अगर हल नहीं निकला तो 26 जनवरी पर इस बार किसान राजपथ पर ट्रैक्टर की परेड करेंगे। लेकिन अब सरकार और किसान यूनियन की बातचीत से ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चढ़ूनी नानकसर संप्रदाय से जुड़े बाबा लखा सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच हुई मुलाकात पर सफाई दे रहे हैं। करीब 43 सेकंड की इस वीडियो में चढ़ूनी ने कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि किसी को हमारे बीच की बातचीत करने का अधिकार नहीं है। कोई भी फैसला सिर्फ किसान लीडर ही करेंगे और कोई भी सरकार और किसानों के बीच ना आए। नमस्कार साथियों, कल से हम खबरें सुन रहे हैं कोई लखा बाबा है जो सरकार से बात के लिए सरकार ने बुलाया है या वो खुद गए हैं और कोई बातचीत किसान फैसले के बारे में चली है कि प्रदेशों को अधिकार दे दिया जाए। हम साफ करना चाहते हैं कि किसी को हमारे बीच की बात करने का अधिकार नहीं है। जो बात करेंगे वो किसानों का डेपुटेशन करेगा। ना तो हमने कोई सरकार के कोई इस तरह से सरकार को शरारत करनी चाहिए और ना किसी और को इस तरह से बीच में आना चाहिए। तो हम साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि ये जो फैसला है ये किसान लीडर ही करेंगे। किसी भाई को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं और कोई भाई हमारे बीच में इस तरह से ना आए। धन्यवाद। बाबा लखा सिंह किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता करने की बात पहले ही कह चुके हैं, लेकिन किसान संगठन खुद ही सरकार से बातचीत कर आगे की रणनीति का फैसला करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान करीब 43 दिन से कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं। अब तक सरकार के साथ हुई 8 दौर की बातचीत में आंदोलन को खत्म करने पर या कानून रद्द करने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब किसान शुक्रवार को सरकार से दो टूक बातचीत करने का मन बना चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार वाकई में किसानों को मना पाती है या फिर एक और तारीख के साथ बातचीत खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।